brought to you by Physics Wala. लोग हैं अपने घरों के अंदर हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने घरों में ताला बंद करके भी कहीं दूसरी तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं इस मकान में भी, आप देखें घर में ताला लगा हुआ है। दिक्कत क्या है, बाहरी लोग आके सारी दिक्कतें कर गए और क्या, हम लोगों ने पूरी कारोबार ठप है। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, आदमी भूखे मर रहा है। आज जो चार चार दिन हो गया है, कैसे खर्चा चलता है लोगों को। दुकानें बंद करना है बस, और हम लोग खाना पीना खाए सो रहे हैं और यहाँ मालूम उधम हो गया। नमस्कार, मैं हूँ पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त उस गली में हैं जहाँ जुमे की नमाज के बाद बवाल शुरू हुआ। ये अटाला इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद यहाँ पर जब पथराव और बवाल शुरू हुआ तो पुलिस ने यहाँ पर लोगों को भी जवाब में यहाँ पर खदेड़ दिया और उन पर जो कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद इन गलियों में सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि गलियों में चंद लोग ही आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सारी गलियां यहां पर सूनी पड़ी हुई हैं। लोग हैं अपने घरों के अंदर हैं और कुछ लोग यहां पर अपने घरों में ताला बंद करके भी कहीं दूसरी तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं इस मकान में भी, आप देखें घर में ताला लगा हुआ है और कहीं इस जगह को छोड़ करके वो सुरक्षित दूसरी जगहों पर चले गए हैं। या तो उन दंगाइयों का डर है या फिर इन लोगों का, पुलिस का डर, क्योंकि इसी इलाके से वो जो झगड़ा है शुरू हुआ था, लोग नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद लोग सड़कों पर आए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। आगे भी देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, पूरी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। लोग यहाँ पर आते जाते इन दुकानों पर चाय नाश्ता करते थे और इन दुकानों पर बैठा करते थे। आप देख सकते हैं इन गलियों में सिर्फ पुलिस और RAF के जवान दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी पूरी गलियां यहां पर सूनी पड़ी हुई हैं। कुछ लोग ही आते जाते यहां पर अपनी ज़रूरतों का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या हुआ यहां पर, कोई किस तरह की दिक्कत का कार्रवाई हुई, सही हुई है या गलत हुई? अब इस पर हम क्या बताएं यार, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। जो प्रशासन करना चाह रहा सही है, उनके हिसाब से कुछ तो हुआ है ना, सरकार के हिसाब से गलत। तो यहाँ माहौल जो बिगड़ा, तो क्या दिक्कत हुई है यहाँ? क्या वही जो है प्रोटेक्ट हुआ है उसमें माहौल बिगड़ गया थोड़ा, और क्या हुआ। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है। हाँ, चावल खाने पीने का सामान जब देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ दुकानें खुली होंगी तो मिल भाई करेगा। अब कुछ खुली नहीं है, परेशानी तो भाई है। यहाँ पर ताला बंद करके भी चले गए, अब कहा किया जाए भाई, ताला बंद कर दिया, उनकी मजबूरी है, ताला बंद कर दिया। यही रहते आप? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं मुसाफिर आदमी, रोड पे चल रहा हूँ, जा रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से लोग यहाँ पर हैं और ताला बंद करके कहीं दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस दंगे का भी डर है या फिर पुलिस की कार्रवाई का भी डर यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर चले गए। यहाँ कुछ कारोबार हुआ करता था, कई दुकानें थी, लकड़ियों का कारोबार था, लोग चाय नाश्ता करते थे। देख सकते हैं ताला बंद है इस दुकानों पे, इन घरों में ताला बंद है, गलियां सुनी पड़ी हैं। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। क्या हुआ था उस दिन और क्या इस तरह से दिक्कत हुई यहाँ पर? दिक्कत क्या है, बाहरी लोग आके सारी दिक्कतें कर गए और क्या, हम लोगों ने पूरी कारोबार ठप है। तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, आदमी भूखे मर रहा है। आज जो चार चार दिन हो गया है, कैसे खर्चा चलता है लोगों को, ये तो उन्हीं को मालूम है। तो यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार हुआ करते थे, चाय नाश्ते की दुकान हुआ करती थी, पान की दुकान है, वो पूड़ी पूड़ी सब्जी की दुकान है, ये सब थी, सब बंद पड़ी है। जो कि हमारे मोहल्ले के कोई भी आदमी सब बाहरी थे, समझ लीजिए। बहुत रोकथाम हम लोगों ने किया गया सब लोगों ने, और यहाँ के लोग थे ही नहीं। तो उस दिन माहौल बिगड़ा, तो आप लोगों ने संभालने की कोशिश की इसको? बहुत, यहाँ पर पूरी वो लगा दिया, गाड़ी लगा दिया गया, रिक्शा लगा दिया गया, पूरी गली पल्ली इधर उधर से हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। अच्छा, कौन लोग थे वो? यही मालूम होता तो क्या, किसी को पहचान, हमारे मोहल्ले के कोई था ही नहीं ज़्यादा कि हमारे मोहल्ले का था। अच्छा, अब कारोबार बंद है तो कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत। अब आप सोचिए, अगर चार पाँच दिन आपका कारोबार बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे, या दूध है, पानी है, चाय है, नाश्ता है,
आप देखिए, आप खुद ही आप भाई हमारे छोटे, आप अच्छा, कई घरों में ताले भी बंद हैं, कहाँ गए हैं लोग? ये नहीं मालूम कहाँ घर में कहाँ ताले बंद हैं, और हम लोग तो रह रहे हैं। जो आसपास के इलाके, ये तो गैरेज है, पान की दुकान है, ये भी गैरेज है, अब पान की दुकान है, हाँ ये जो है उधर से रास्ता है, इधर से नहीं है, तो ये काफ़ी दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत। आप यहीं रहते हैं? जी थोड़ा आगे हैं चौराहे पर। तो उस दिन क्या हुआ था, कैसे माहौल बिगड़ा? तो आप नमाज पढ़ने गए, और नमाज पढ़ने के बाद आके आदत है खाना खाने की और आराम करने की, आराम कर ही रहे हैं, 4 बजे मालूम हो धुमबाजी हो रही है MIC को, वहाँ बाहर निकले देखा भीड़ भाड़ है बस, और माहौल बिगड़ गया। तो वो जो हंगामा कर रहे थे जी, तो क्या कहाँ के लोग थे वो? सब बाहरी, जैसे कहीं से आ गए इस एरिया के, तो हमारी समझ भी नहीं आते, और ना हमारा एरिया वहाँ पर भी, मदरसा की नमाज के पास रहने वाले हमें, वहाँ के एरिया तो और इधर का एरिया तो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से जैसे बुलाए गए। ये इलाका काफी अमन चैन का रहा है, बहुत बढ़िया रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी यहाँ दी जाती है, कर्फ्यू में लोग टहलते हैं। हाँ, लेकिन किस तरह से माहौल बिगड़ा? कोई कोई यहाँ पर बंदी का, कोई यहाँ पर पॉम्पलेट भी लगा? बंदी का ऐलान था कि शुक्र के दिन दुकानें बंद रहेंगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जती हुई है उसके मुतालिक यही बात थी कि दुकानें बंद करना है बस, और हम लोग खाना पीना खा सो रहे हैं, और यहाँ मालूम उधम हो गया। ये बंदी का आह्वान किसने किया था? अरे हर मुसलमान के दिल में हुआ था कि हमारे नबी की ये हुआ है तो कम इतना करें कि दुकानें तो बंद रखें, अपना व्यापार बंद रखें बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि करीब 3रा दिन है आज, तो यहाँ पर दुकानें बंद है, तो घर के लोगों को काफी दिक्कत भी सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब ये है, बद दहशत में है, पुलिस वाले इतना जुल्म कर रहे हैं, इतनी जासी कर रहे हैं पुलिस वाले मुसलमान के नाम पर, कि साले मुसलमान है इनको मारो और तोड़ो बस, सिर्फ इसलिए। अच्छा, जो कार्रवाई होनी सजा मिल रही बस। अच्छा, ये जो जावेद पंप है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो क्या क्या कैसा मानते हैं? कार्रवाई हुई भाई, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल मामला है, आदमी तो ठीक ठाक है, गरीबों की मदद करता है वो, समझ गए? अक्सर ये हुकूमत वाले एडमिनिस्ट्रेशन बुलाती थी उसको मुहर्रम पे दशहरे पे, आइए क्या कैसे प्रोग्राम हो क्या हो, उनसे क्यों बात करती थी, ये थाने क्यों बुलाया जाता था उसको, अच्छा आदमी था, सज्जन आदमी, तभी तो बुलाते रहे, उससे मशवरा लेते रहे। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये दंगों को भड़काया और उकसाया और लोगों को बुलाया, कहीं फुटेज पे दिखाइए ना उसकी फोटो, सब फोटो आइए कैमरा लगाए रहते हैं आप लोग, कहीं दिखाइए उसको, क्या उसने भड़काया, उसने कहीं हो? तो कारोबार यहाँ पर अब बंद जैसा है, चौपट है, बंद नहीं चौपट है, किस तरह लोग बेचारे गुजारा करने यहाँ रोज कमारे खाने वाले हैं, क्या हो रहा है बस भय, ये समझिए सब भाई की वजह, पुलिस की जासूसी इतनी हो रही है भाई, आप आगे बढ़िए हमारे साथ बैठिए, 2500 कार दिखा में तो पुलिस वाले तोड़ दिया है, क्यों मुस्लिम एरिया में मुस्लिम की है, इनके तोड़ो, तोड़ दिया पूरा शीशा आगे पीछे का। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाई अमन चाहते हैं, दुकान खुले, मार्केट कारोबार करे, व्यापार करे, अमन हो जाए, समझ सब माहौल बढ़िया हो जाए, पुलिस वाले ऐलान करें भाई दुकानें खोलिए आप लोग व्यापार करिए, जो स्थानीय लोग हैं इनका साफ कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं काफी अमन शांति के लोग हैं, लेकिन वो जो लोग जिस दिन हंगामा हुआ वो बाहर से आए थे, इनका साफ कहना है, क्या कहेंगे? हम आंखों देखा बता रहे, जुमे के दिन निकले हैं, सारी नमाज कम खत्म हो गई, कोई कहीं नहीं था, 1 घंटे के बाद इतनी तेजी से पब्लिक कहाँ से आई हम लोग समझ नहीं पाए, हालांकि हम लोग पब्लिक को ढकेल लेते हैं, हम लोग SSP के साथ थे, उन लोग के साथ सबको ईटा बाजों को मार रहे थे, ढकेल लेते, हर तरह से भगाया, लेकिन उसके पास से ऐसी दहशत मची है कि हर कोई अपने घर के अंदर है, बच्चे डरे हुए हैं, दुकानें नहीं खोलने, बस हम इतना चाहते हैं कि कहते कि दुकानें खोलें, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, बस यही है, इतना ही है। खाने पीने के सामान की भी समस्या हो रही होगी, दूध खत्म हो गया होगा, तमाम खाने पीने सब्जियां नहीं मिल रही होंगी, तो कितनी दिक्कतें हो रही है, बाहर से सब्जियों की गाड़ियां भी आती रही, वो लोग भी नहीं आ रहे बेचने, एकदम बंद है, हाँ काफी समस्या हो रही है। अच्छा, कई लोग अपने घरों में छोड़कर भी चले गए, सुना है लेकिन अभी तो देखा नहीं हम,
बस सन्नाटा मचा हुआ है, लोग घरों के अंदर है, छोड़ के जा नहीं रहे। हाँ, दहशत भी एक है कि जो है कुछ लोग गए होंगे। अच्छा, किस चीज की दहशत है? पुलिस वालों की दहशत है या जो जिन लोगों ने हंगामा किया जो कार्रवाई ना हो उसकी दहशत है? दहशत तो हंगामा करने वाले जहाँ से आते चले गए, दहशत ये है कि डर ये है कि कहीं पुलिस हमें ना उठा ले, हमें ना उठा ले, ये डर है बस लोगों के अंदर, और कोई डर नहीं ना। लेकिन ये अटाला इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत में ये साफ पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर से आए थे, वो हंगामा करके गए, लेकिन परेशानी अब इन लोगों को उठानी पड़ रही है। कुछ लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले गए हैं, लेकिन समस्या एक बात की यहाँ खड़ी हो गई है, क्योंकि इनके खाने पीने के सामान कम नहीं मिल रहे हैं, दूध नहीं मिल रहा है, सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं। इन लोगों की मांग है कि इस गली को कम से कम ऐसा किया जाए कि खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर हो सके, जिससे रोजमर्रा की तरह ये अपने जीवन को चला सके। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।